नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे यूके ट्रिपलसी के द्वारा कुछ नई रिक्त पदों की भर्ती के सिलसिले में। तो चलिए आज की जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो यूके ट्रिपलसी की तरफ से जो नई कुछ पोस्ट निकली हुई है। तो देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चयन हेतु विज्ञापन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत अनुश्रवण सहायक के रिक्त 8 पदों तथा प्रयोगशाला सहायक के रिक्त 7 पदों, रेशम विभाग के अंतर्गत सहकारिता प्रवेशक के रिक्त 2 पदों, विभिन्न निगम निकायों पंचायतों के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त 291 पदों, उच्च विभाग शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक विभाग सहायक भौतिक अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के 9 पदों एवं फोटोग्राफर के 2 पदों, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 5 पदों, कारागार विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट के रिक्त 8 पदों, संस्कृत निदेशालय के अंतर्गत रसायनविद के रिक्त 1 पद, जल संस्थान के अंतर्गत केमिस्ट के 12 पद तथा पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्नातक सहायक के रिक्त 2 पदों अर्थात कुल 434 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। नोट पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा साफ साफ लिखा हुआ है रिक्तियों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। जो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है वो आज की है 30/6/2021 की। आवेदन जो है आप ऑनलाइन आवेदन के जो प्रारंभ तिथि है वो आपकी 6/7/2021 से रहेगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो रहेगी आपकी 19/8/2021 आपकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी। परीक्षा शुल्क की जो अंतिम तिथि रहेगी 21/8/2021 तक। लिखित परीक्षा का अनुमान समय जो है December 2021 तक रहेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण हेतु नियंत्रण बोर्ड के ये जो रिक्त पद आए हुए हैं ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो इनमें जो है कुल मिला के जो पद हैं 434 रिक्त पदों पर भर्ती आई हुई है। तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जो है आयोग की वेबसाइट पर जाके UK SSC.co.in पर जाके आप जो है OTR बना लीजिए। अगर आपका OTR पहले से बना हुआ है तो आप इसको सीधे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भर सकते हैं। अगर आप OTR भरेंगे, सबसे अगर आप पहली बार OTR भर रहे हैं तो आपको उसमें सारी अपनी डिटेल डालनी होगी। तो जो है इसमें अगर एक बार आप फिल कर लेते हैं संशोधन कर सकते हैं दोबारा से, अगर आपकी कोई गलती रही हुई है तो। तो ये बोल रहे हैं कि आवेदन पत्र भरे जाने पर जाने व सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरांत इस आवेदन पत्र के लिए OTR में संशोधन संभव नहीं होगा। अगर आप जो ये पोस्ट आई हुई है इसके लिए अगर आप एक बार आवेदन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप इसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। जो है प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों, प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपने SMS के लिए आपने अपना मोबाइल नंबर लगाया हुआ है, मेल ID लगाई हुई है, तो आपकी यथासंभव जितनी भी ये करेंगे यथा समय पे, आपकी जैसे ही एडमिट कार्ड वगैरह निकलने के लिए आते हैं या बताते हैं कि आपका परीक्षा कब है तो आपको ये ऑनलाइन आपके ईमेल पे या आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के सभी प्राविधानु शर्तें तथा अंत में दिए गए निर्देशों को भलीभांति अवश्य पढ़ लें। अनुश्रवण सहायक कुल पद हैं 8, रिक्तियों का विवरण है 36 आरक्षण की स्थिति। तो आप श्रेणी देख सकते हैं यहाँ पर, और जो पद नाम विभाग का नाम है
अनुश्रवण सहायक उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनुश्रवण सहायक है, वेतनमान इनका रहेगा लेवल टू का 19,900 से 63,000 तक आपकी बनेगी। आयु सीमा जो आपकी रहेगी 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। पद का स्वरूप जो है राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा। शैक्षिक अर्हता रहेगी आपकी विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण। आप अगर इंटरमीडिएट हैं साइंस के साथ तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिमान, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ये आपका जो अधिमान जो आपने लिखा है इन्होंने लिखाया है तो ये सभी जगह मान्य रहेगा। जितनी भी प्रीवियस अभी आने वाली जितनी भी हमारी पोस्ट आई हुई हैं, बहुत सारी पोस्ट इस बार यूके ट्रिपलसी ने निकाली हुई हैं, पटवारी, लेखपाल और भी अन्य हैं, तो आप उन सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम, जो इनका पाठ्यक्रम रहेगा चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्तर का होगा। अगर आप इस जो है आपकी अनुश्रवण सहायक के लिए आप भरते हैं तो आपने केवल इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर का पढ़ना है, साइंस आपको पढ़नी है इंटरमीडिएट की, तो आपके सारे क्वेश्चन जो उसी में से आएंगे। दूसरा देखते हैं प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक जो है आपकी सामने ये वीडियो रखी हुई है तो आप देख सकते हैं इसमें आपके लिए कितनी पोस्ट रखी हुई हैं। इसके बाद से आपका वेतनमान बता दें सेम है जो पहले था, और इसमें भी आपको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना है, सेम है। और इसके बाद से आपका जो नेक्स्ट आता है सहकारिता पर्यवेक्षक। सहकारिता पर्यवेक्षक में आपकी जो पोस्ट हैं केवल 2 पोस्ट हैं, वो भी सामान्य जाति के लिए है, वो भी वुमेंस के लिए है। तो वुमेंस आप जितने भी हैं आप इसको भर सकते हैं, 18 से 42 वर्ष तक आप इसको भर सकते हैं। और जो आपका शैक्षिक अर्हता रहेगी विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट विज्ञान या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। अगर जैसे पहले से उत्तर प्रदेश वाले चलते थे, उत्तर प्रदेश वाले भी आप इसमें भर सकते हैं, लेकिन जो नए उत्तर प्रदेश के हैं वो नहीं भरेंगे। सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, बस खाली पदों का एक अलग अलग वो चेंज है, थोड़ी नॉइस आ रही होगी, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से चलता है पर्यावरण पर्यवेक्षक के जितने भी पद हैं 291 अभी तक से सबसे ज़्यादा पद हैं पर्यावरण पर्यवेक्षक में। नगर निगम देहरादून में जितने हैं 15 पोस्ट हैं और टोटल जो है आपकी योग आता है 19 का आता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से नगर निगम हरिद्वार पर्यावरण पर्यवेक्षक के 22 पद हैं, वुमेंस में 5 पद हैं, आप इसको जो है पूरा देख सकते हैं एक एक करके। रुड़की में 11 पद हैं, निगम काशीपुर में 13 पद हैं, नगर निगम रुद्रपुर पर्यावरण पर्यवेक्षक में 15 पद हैं, हल्द्वानी में जो है 12 पद हैं, नगर पालिका में 2 पद हैं, मसूरी नगर पालिका में 2 पद हैं, नगर पालिका नैनीताल में 4 पद हैं, नगर निगम ऋषिकेश पर्यावरण परीक्षण में 13 पद हैं, नगर पालिका पिथौरागढ़ पर्यावरण पर्यवेक्षक में 5 पद हैं, नगर पालिका रामनगर में जो है 4 पद हैं, नगर पालिका पौड़ी पर्यावरण परीक्षक में 5 पद रिक्त हैं। बागेश्वर में आप देख सकते हैं 3 पद हैं सामान्य के लिए, सामान्य के लिए ही नगर पालिका जोशीमठ में जो है 3 पद हैं, नगर पालिका बाड़ाहाट उत्तरकाशी में 4 पद हैं, नगर पालिका श्रीनगर में 3 पद हैं, चमोली गोपेश्वर में 3 पद हैं, और टिहरी में जो है 3 पद हैं, कोटद्वार में भी 17 पद हैं। नगर पालिका में आप देख सकते हैं 3 हैं, किच्छा नगर पालिका में 3 हैं, गंगोलीहाट नगर पंचायत में आपके 1 पद है केवल सामान्य के लिए, नगर पालिका जसपुर में 3 पद, नगर पालिका रुद्रप्रयाग में 3 पद, नगर पालिका चंपावत में 3 पद, नगर पालिका मुनि की रेती पर्यावरण पर्यवेक्षक में 3 पद, मंगलौर में 2 पद, नगर पालिका डोईवाला में 2 पद, हरबर्टपुर जिसमें 2 पद हैं, लक्षर में भी 1 पद है, नगर पालिका शिवलिक नगर में 2 पद हैं, चिनिया लिसौड़ में 2 पद हैं, बड़कोट में 2 पद हैं,
गोचर में दो पद हैं, नगर पालिका कर्णप्रयाग पर्यवेक्षक में दो पद हैं, इस टाइप से बहुत सारे पद हैं। दगगड़ा में दो पद हैं, नगर पालिका नरेंद्र नगर में एक पद है, देवप्रयाग में दो पद हैं, नगर पालिका चंबा में जो आपके हैं दो पद हैं, नगर पालिका भवाली पर्यावरण पर्यवेक्षक में आपके दो पद हैं, बाजपुर में भी आपका एक पद है, पर्यावरण पर्यवेक्षक गदरपुर में एक पद, नगर पालिका खटीमा में एक पद, नगर पालिका सितारगंज में दो पद, महुआ खेड़ागंज में दो पद, नगर पालिका धारचूला में दो पद, टीडीहाट में दो पद, रानीखेत में भी दो पद हैं, लंढौरा में दो हैं, भगवानपुर में दो हैं, झबरेड़ा में दो पद हैं, दिनेशपुर में दो पद हैं, कैला खेड़ा में दो पद हैं, चौहटिया में एक पद है, कलियर में एक पद है, बद्रीनाथ में एक पद है, नंदप्रयाग में एक पद है, पोखरी में एक पद है, पीपलकोटी में एक पद है, थराली में एक पद है, पिथौरागढ़ जौक में एक पद है, सतपुली में भी एक पद है। अगर मैं इसे बताते हुए चलूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे ये 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं इसको जो है PDF को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, आप वहाँ से इसको एक एक पद की जानकारी ले सकते हैं। जो आप फॉर्म भरेंगे इसको थोड़ा अच्छे से भरिएगा, और जो ये अभी जितने भी पोस्ट हैं 252 पोस्ट आपकी भिक्यासैंण में हैं, भिक्यासैंण वाले के लिए आराम से आप भर सकते हैं। टोटल मिला के 291 पद हैं और 39 जो है महिलाओं के लिए हैं, 252 टोटल हो गया आपकी पुरुषों के लिए, तो आप इसको भर सकते हैं। तो इनकी भी लेवल 3 की वेतनमान रहेगा, आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक रहेगा, बाकी सब उत्तीर्ण इंटरमीडिएट उत्तीर्ण मांगा हुआ है, आप इसको आराम से भर सकते हैं। विज्ञान स्तर का आपका पाठ्यक्रम रहेगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे के लिए आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा रहेगी, आप इसको देख सकते हैं। फिर प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट आती है, प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान में आपके 16 पद होते हैं और रसायन विज्ञान में 17 पद हैं, जंतु विज्ञान में 17, वनस्पति विज्ञान में 68 पद हैं, 18 पद हैं सॉरी, कुल योग जो इनका बनता है 68 पद का बनता है और वैसे इनका कुल योग 87 का रहेगा। इसमें आपका लेवल 4 की वेतनमान रहेगा और आयु सीमा आपके 18 से 42 रहेगी। इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इतना करने के बाद आपने ये थोड़ा और भी नीचे बहुत सारी परीक्षाएँ बीच में हैं, आप इसको देख लीजिए एक एक करके, मैं इसको दे दूँगा। फोटोग्राफर की जो है पद हैं फोटोग्राफर की, तो आप यहाँ देख सकते हैं लेवल 5 की इसमें आपकी जो है वेतनमान आपका रहेगा। केवल इसमें 2 पोस्ट हैं, एक सामान्य के लिए एक असामान्य जाति के लिए, तो आप यहाँ से इसको आराम से भर सकते हैं एक पोस्ट के लिए। लिखित परीक्षा पद हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम आपके ये सब कुछ रहेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे पद हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं एक एक पद की जानकारी आपको मिल जाएगी। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर 8 पदों के लिए आई हुई है, सामान्य के लिए 4 पद हैं और जो EWS के लिए एक पद पे आपकी रहेगी। आप अगर फार्मासिस्ट हैं तो आप यहाँ से इसको भर सकते हैं। और इसमें जो शैक्षिक अर्हता रहेगी आपकी, शैक्षिक अर्हता आपकी रहेगी उत्तराखंड में इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भेज जी की या फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में पंजीकृत भी हो। अगर आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर नहीं हैं तो ये आपके लिए नहीं हो पाएगी। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य करना ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे पद हैं, आप एक एक करके यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं इसको बताते हुए चला तो ये 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो ये आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक जो है आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अभी नई पोस्ट आ रखी है तो बहुत लोगों को अभी पता नहीं होगी, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और इसमें आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन कीजिए और इसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप अपना OTR फिल करें। अगर आपको OTR फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो ज़रूर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसी
जो आपका कमेंट बॉक्स पे है, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब कीज करके बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।